व्हाट्स अप गाइस, प्रियांशु गुप्ता है। सो आज हम जा रहे हैं स्किप द डिशेस में। आज कितने बजे रहे हैं? आज टाइम हो रहा है हमारा अभी यहाँ पे 10:30। कितने बजे चलेंगे हम? 10:45 तो 10:45 पे चलेंगे। तो ये बताएंगे भाई, मेरे भाई अमर भाई कैसे स्किप द डिशेस करते हैं रेंज रोवर में। सो गाइस हम स्टे ट्यून्ड, अभी हम थोड़ी देर में तैयार तैयार होके करते हैं। ये देखिए हमारा रूम है, तो यहाँ पे थोड़ा खिलारा पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी हम उठे हैं। तो ये रहे मेरे लगेज, और आपने अगर मेरी वीलॉग नहीं देखी तो जरूर जाके देखिएगा। मेरा फर्स्ट डे इन कनाडा विद दिलप्रीत एंड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा वीलॉग बनाऊं और आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो। सो गाइस अभी 10:30 बजे जा रहे हैं रात के। आप खुद सोच सकते हो कि 10:30 बजे रात को हम स्किप द डिशेस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, इससे आप अच्छे से डॉलर्स कमा सकते हो। तो कितना हो जाता है वो डिपेंड करता है, वो अमर आपको बता देंगे। सो गाइस लेट्स स्टे ट्यून्ड। सो मैंने अभी जैकेट पहन लिया क्योंकि गाड़ी के अंदर ठंड तो नहीं लगेगी, पर फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम दोनों ने जैकेट पहन लिया है। तो हम जा रहे हैं रेंज रोवर अपनी कार के पास। यहाँ ठंड बहुत है और हम बाहर आ गए हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया है, ये गाड़ी जा रही है सामने से, और ये हमारी कार, भाई ने करनी है स्टार्ट। तो करिए भाई स्टार्ट, ये इन्होंने कर दिया स्टार्ट। वाह, ये है लोगो। अच्छा भाई चलो अब चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना वीलॉग। अब हम सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कहीं भी हो, सीट बेल्ट इज कंपल्सरी। सो अमर अब बताएंगे स्किप द डिशेस में अगर रिक्वायरमेंट्स क्या है मिनिमम। जब आपको शिफ्ट उठा ली है आपने, 3 से 4 घंटे की शिफ्ट होती है। ये मैंने आपके सामने ऐप ओपन की है, दैट्स माय शिफ्ट। इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक एट 9:45 टू 12:45। अभी हम थोड़ा लेट हैं लेकिन अब भी हम चेक इन कर सकते हैं। हमने चेक इन किया, लाइक हमारा वाईफाई इनेबल है, इसको बंद करें मोबाइल डाटा पे। गो टू लाइव ऑर्डर्स, इसमें हमारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। ओके, इतने एरिया में ऑर्डर्स आ जाएंगे जी। और हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा ऑर्डर आए। और स्किप के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पास $60 कैश होना चाहिए मिनिमम। ओके, $60 या $60 कैश, क्योंकि कुछ कैश ऑर्डर्स भी होते हैं। सो कस्टमर्स कैश कर पे करना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए मिनिमम 60 होनी चाहिए। मैं 100 रखा है मैंने। ओके, सो अभी हम ऑर्डर की वेट कर रहे हैं। लाइक हम किसी अच्छे एरिया में जाएंगे, इसमें हॉटस्पॉट्स की ऑप्शन होती है, जो रेगुलर हॉटस्पॉट्स होते हैं जहाँ से लोग आमतौर पर ऑर्डर करते हैं। एक अब है लॉरेंस और वार्डन, तो हम इधर जाएंगे। हम अब ड्राइव करने लगे, तब तक हम ड्राइव कर लेते हैं और वेट कर लेते हैं, तब तक क्या पता ऑर्डर आ ही जाएगा। वैसे कब तक आ जाता है, कितना अप्रॉक्सीमेटली टाइम लेता है ये? कभी कभी 5 मिनट भी लग जाता है, कभी कभी 10, कभी कभी ऑन स्पॉट भी आ जाता है। ओके, डिपेंड करता है, जैसे आज फ्राइडे है, आज ऑर्डर्स बहुत होंगे फ्राइडे सैटरडे संडे। ओके, वीकेंड्स पे जी स्कार्प्रो एरिया में, लाइक अगर हम डाउनटाउन में करते हैं, डाउनटाउन में रोज ही ऐसा काम होता है शाम को। हाँ जी, उधर मिनिमम 20-25 मिनिमम बन जाते हैं। ओके, और गाड़ी का खर्च निकल जाता है। लाइक स्कार्प्रो, मैं स्कार्प्रो रहता हूँ, इधर से डाउनटाउन जाने में मेरा तेल लगता है अप एंड डाउन का $10 का। ओके, सो जितना वो डिफरेंस है अर्निंग का, उसमें से मेरा चल जाता है। उधर ऑर्डर अच्छे मिलते हैं, टिप भी बहुत मिलती है। एक बार मुझे ऑर्डर आया था, ऑर्डर की ट्रांजिट पे थी, वो थी $9.71, और उसमें से मुझे टिप मिली थी $9.43। ओके, सो कुल अर्निंग थी $18 to $19, और वो ऑर्डर भी पास में ही था, लाइक 1.2 किलोमीटर, मुझे एग्जैक्टली याद है 1.2 किलोमीटर था उसमें। सो नज़दीक ही था, 5-7 मिनट उसको डिलीवर करने में लगे, इतना ही पिकअप में लगा। सो मैंने 20-25 मिनट में $19 बना लिए थे। वाओ, वेरी गुड, इंप्रेसिव। बाकी दिनों में स्कार्प्रो में अगर इवनिंग में करते हैं तो लाइक $15 इतना ही होता है, 12-15 इतना। आज दिन अच्छा है, लाइक अब है फ्राइडे नाइट, आज ऑर्डर अच्छे होंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं, किसी मार्केट के पास जाएंगे तो
तब ऑर्डर्स आने शुरू होंगे। ओके, सो उसमें लाइक टैक्स कट के ही मिलता है जो आप $15 कह रहे हो कि वो एक्सक्लूडिंग का डायरेक्ट डिपॉजिट आता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, जितनी आपकी अर्निंग होगी उतने के उतने आएंगे। ओके, ये फिर इसमें टैक्स का कटता नहीं है? जी नहीं। ओके, वो ऑलरेडी कट ही आता है, सिन नंबर भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट वो आते पैसे डायरेक्ट डिपॉजिट से ही है। और इसमें आपका ऑप्शन होती है, आप जितना चाहे काम कर सकते हो, 4 hours, 8 hours, 20 hours, above 20 hours, ऐसी आपका ऑप्शन होती है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया भाई। तो अभी हम ऑर्डर का इंतजार करते हैं और अमरवीर ड्राइव कर रहे हैं, सो ड्राइव के वक्त थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इट्स कैनेडा नॉट इंडिया, सो गाइस तो जैसे ही ऑर्डर मिलता है तब हम आपको दिखाते हैं कि ऑर्डर कैसे पिकअप करते हैं और डिलीवर करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अमर आप अपना चैनल भी बता दो यार। नहीं, मैंने बंद कर दिया। कोई बात नहीं बता दो, फ्यूचर में अगर बनाओगे लोग आपको पहचाने तो कम से कम आपको लिंक दे दूंगा। हाँ जरूर, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगली वीडियो इस टॉपिक पे बनेगी, ये वाली, इसके फीचर्स और इसकी कॉस्ट कैसे मिली। हाँ, कौन ले सकता है, कौन अफोर्ड कर सकता है, क्या स्टूडेंट्स ले सकते हैं, हाँ, कौन कर सकता है अफोर्ड की नहीं। और कमेंट में जरूर बताना अमरवीर कैसा लग रहा है और हमारी वीलॉग कैसे लग रही है, और गाड़ी के बारे में जरूर बताना। सो गाइस अभी हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस ये देखिए ऑर्डर आ गया, ऑर्डर मैच्ड एंड रिमेंबर द कस्टमर। तो इन्होंने गेटिंग स्टार्टेड कर दिया, प्रिपेयरिंग टू ड्राइव, तो अब रेडी टू ड्राइव किया इन्होंने। अब वहाँ की लोकेशन बता देंगे यहाँ पे, और पेड ऑनलाइन इन्होंने ऑनलाइन सर्विस पे किया, पार्क एट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की अभी लोकेशन बताए, पार्क करेंगे तो उसके बाद वो पार्क एट रेस्टोरेंट करना है, और मेक श्योर कि आप टाइम पे पार्क करते हो। अगर आप बाद में कंफर्म करते हो, और समटाइम्स आपका ऑर्डर लेट होता है, अगर आपकी वेट 7 मिनट्स को एक्सीड करती है तो आपको उसके एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। ओके, जितना ज़्यादा लेट ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। समटाइम्स रॉन्ग एड्रेस होता है, लाइक एक बार मैं डाउनटाउन में करा था, तब मुझे ऑर्डर का एक्चुअल एड्रेस था वेस्ट का, तो बट उसमें ईस्ट था जो इन्होंने दिया था। सो मैंने उनको बोला कि ये सही नहीं है, सो मेक सम करेक्शन की बिल्डिंग नॉट फाउंड और कस्टमर नॉट फाउंड, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा $2 दिए थे वहाँ ड्राइव करने के लिए, वो भी पास में ही था। ओके, सो अब आप देख सकते हो हम पेट्रोल भराने हैं। नहीं, अभी हम ड्राइव करते समय फोन को अवॉइड करेंगे ना। ओके, ड्राइव करते हुए हम फोन को अवॉइड करेंगे। इसमें है पेड ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे, टोटल अर्निंग्स $9 का ऑर्डर है, 9.75। ओके, सो 7.75 हमारी ट्रांजिट पे है, और $2 का टिप भी आया है। ओके, वेरी गुड, $2 का टिप मिल गया ना जी। अब ये एड्रेस है, इसके ऊपर हम जाएंगे और गूगल मैप से कनेक्ट कर देंगे जी। ओके, अभी 7 मिनट दूर है। ओके, स्टार्टिंग रूट टू 31 टैप्सकट रोड। ओके, तो अभी इन्होंने बताया, तो अब हम चलते हैं अपने रूट पे। सो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है ना ब्रो? समटाइम्स टिकट मिल जाती है 325। चलो कोई बात नहीं, होता है। तो ये सर्कल की कंपनी है पेट्रोल की, है ना जी? एसओ की है, सर्कल की उनका कोई लोगो है, पता नहीं क्या है वो, मुझे नहीं पता। ओके, कंपनी एसओ है। ओके, समझ गया मैं आपकी बात। तो चलो अब हम पिकअप करने के बारे में बताएंगे आपको, जैसे पिकअप करते हैं रेस्टोरेंट पे पहुंच के। तो अभी रोड पे आप अवॉइड ही करो मोबाइल फ़ोन चलाना, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस, और अगर आप करोगे तो फिर आपके लिए डेंजरस ही है, क्योंकि इट्स कैनेडा, अगेन रिपीटिंग, इंडिया में तो चले जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सी गलती की आपका, या कैमरे लगे होते हैं हर एक ट्रैफिक लाइट के, रेड लाइट कैमरा उसे कहते हैं, कुछ पर होते हैं मेन इंटरसेक्शंस पे, सो उधर बी केयरफुल, सभी जगह बी केयरफुल। ओके, तो केयरफुल रहने चाहिए, चाहे इंटरसेक्शन में हो चाहे जहां हो, पर केयरफुल रहना आपकी जिम्मेदारी है। टिकट भी बहुत हैवी मिलती है। कितनी मिली है? $325 सर। $325 का चलान, आप खुद सोच लो, आपकी जो 1 मंथ की जो रेंट है आपको देना पड़ सकता है,
और अगर लगातार कोई ट्रैफिक रूल्स का ऐसे करे तो उसका क्या होता है? लाइसेंस सस्पेंशन अगर बार बार करता ही जा रहा है। ओके, तो मैक्सिमम 3 अलाउड है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन 3-4 के बाद हो ही जाएगा। तो सस्पेंशन के बाद हम दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते? नहीं, ऐसा होगा कि इतना भी बड़ा ऑफेंस नहीं है ये, लाइक 6 months के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है आपका, मे बी 4, ऐसा कुछ होता है। ओके, तो फिर वो थोड़ा फिर पता लग जाता है लोगों को कि ऐसी गलती नहीं करनी। जी, तो अब हम रेस्टोरेंट के कितने दूर हैं? टर्न राइट ऑन टू प्रोग्रेस एवेन्यू। अभी 5-6 मिनट लगेंगे, तो 5-6 मिनट में हम रेस्टोरेंट जाते हैं। ये देख सकते हैं रेड लाइट कैमरा का बोर्ड। हाँ, निकल गया, बोर्ड पीछे लगा था, बट कोई बात नहीं। और ये देखिए, यहाँ पे है सेंटिनियल कॉलेज, प्रोग्रेस कैंपस। प्रोग्रेस कैंपस सेंटिनियल बहुत अच्छा कॉलेज है वैसे, मैंने सुना है इसके बारे में। सो गाइस, हम पहुंच गए, हमें विंगस्पॉट का ही डेस्टिनेशन मिली थी, अभी ये विंगस्पॉट पहुंच गए हैं। उसके बाद हमने पार्क्ड का ऑप्शन दबाना है फ़ोन में, ताकि उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हम पहुंच चुके हैं, उनकी डिलीवरी बस थोड़ी देर में होने वाली है। अभी हम पार्किंग कर रहे हैं, पार्किंग भी यहाँ अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है? गलती लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, टिकट मिलेगी आपको। टिकट रेलवे स्टेशन वाली नहीं, जो चलान होता है वो आपके घर पे आएगा, आपको सीधा नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर फोटो होगी उसमें गाड़ी की, गाड़ी की फोटो भी होगी और नंबर प्लेट भी होगी। सो अच्छे से यहाँ पे पूरा ध्यान से आपको सब कुछ करना है, ड्राइव वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। तो ये रहा विंग स्पॉट यहाँ इस साइड, तो अभी हम जाएंगे अपने डिलीवरी लेंगे और उन्हें दे देंगे। सो हम ऑर्डर कलेक्ट करने चलते हैं विंग स्पॉट के अंदर, और ये हमने खोला दरवाजा, तो ये जा रहे हैं भाई अंदर, हम कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग अंदर। ऑर्डर ले लिया, और ये ऑर्डर मीडिया में ये देख लीजिए, यहाँ पे होते हैं सेपरेट जगह, अच्छे से रखने हैं ताकि बैलेंस बिगड़े ना। एक्सपेंडेबल है जगह जगह एक्सपेंड हो जाती है वाली, ये नहीं कि हमने इतने में डाला तो इतने एडजस्टमेंट है इसमें। हाँ, सो अब हो गई हमारी पैकिंग, सो चलते हैं ऑर्डर की ओर। ठंड, और ये गाड़ी का रिव्यू ज़रूर आपको आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वी लॉग अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं, पहले पीछे रख रहे हैं अमर भाई, तो हम बैठते हैं गाड़ी में और हमने ये किया दरवाज़ा बंद, लेट्स गो। तो सीट बेल्ट लगानी मत भूलना भाई साहब, यहाँ पे सीट बेल्ट प्रिपेयरिंग टू ड्राइव टू कस्टमर, ये देखिए सीट पे लगानी भूले इसका मतलब। कस्टमर का नाम है क्रिस्टोफर अंडारी, 30 लेवोनिया प्लेस, टोरंटो। ओके, अब रेडी टू ड्राइव, इनका एड्रेस आ जाएगा है ना गूगल जी, मैप। और पार्क डेड कस्टमर की ऑप्शन है कि आप गूगल मैप में एड्रेस डालोगे। सो गूगल मैप में एड्रेस वैलिड नहीं आ रहा, सो लेट्स गो। 5 मिनट्स का रास्ता, 5 मिनट्स का रास्ता, 2.3 किलोमीटर, एक ही रोड है, इजी है। लेट्स गो ब्रो। ओके, तो हम ये अपार्टमेंट टाइप में पहुंच गए, अब हमें ऊपर नीचे जाना पड़ेगा है ना भाई जी? अगर किसी का घर होता तो थोड़ा इजी हो जाता है। अब जैसे घर का ऐसा है कि लाइक घर गेट के आगे गए, पकड़ा के निकल गए, पकड़ाया और निकल गए। अब ये अंदर जाकर बजर नंबर बजर कोड दबाएंगे, फिर गेट खुलेगा, फिर ऊपर जाएंगे। चलो फिर अंदर चलते हैं, तब तक। और वो अमरवीर पहुंच भी गए, चलो चलें भाई। और ये हम देख सकते हो अपार्टमेंट नंबर 1216, 12th फ्लोर। ओके, 12th फ्लोर पे जाना है, 1216। बजर नंबर है 1140। तो उन्होंने बजर नंबर भी बता दिया जिससे हम गेट खुलते हैं, ऐसे कोई आन जा नहीं सकता, जिससे चोरियां बहुत कम होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, अच्छा उन्हें कॉल करेंगे ये
जी वो हमें एक्सेस देंगे अंदर आने के लिए। ओके ऐसे कोई नहीं घुस सकता, हालांकि शांति बहुत है। तो हम लिफ्ट से जाएंगे। ला भाई पकड़ लो, एक में मोबाइल पकड़ा है तूने। चलो अब हम अंदर चलते हैं। कवर अच्छा है ये मोबाइल का, आईफोन का। कौन से फ्लोर पे? 12 फ्लोर पे। ओके घर में थोड़ा इजी रहता है, अपार्टमेंट्स में थोड़ा मुश्किलात हो जाती है। बट डाउनटाउन में ज़्यादातर अपार्टमेंट्स ही होते हैं, बट उधर टिप भी बहुत होती है। सो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उधर। तो यहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज, तभी उसने $2 टिप दी। हो सकता है अगर ना दी होती डाउन टाउन में तो कोई ही गरीब बंदा होगा जो ना दे टिप। ना दे टिप। ओके सो अब हम 12 पे पहुंच। कितने सुंदर अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट नंबर 1216। तो हम देखेंगे रूम नंबर 1216 अपार्टमेंट। ओके उधर है 6 तक 26 16 ये रहा। अब हम जा रहे हैं अपार्टमेंट में ये देने। सो चलो अब ये दे आएंगे अंदर और थैंक यू कह देंगे उसे। वेटिंग दैट्स इट। सो दे दिया। कंफर्म ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल टू रिसीव अ न्यू वन। ओके कंफर्म करना है जी, तो करिए कंफर्म। नेक्स्ट ऑर्डर। ओके नेक्स्ट ऑर्डर। वी आर 975। 975 अर्न हो गए हैं हमारे सिर्फ कितने कितने मिनट्स में? हमने 25 से 30 मिनट्स। 25 तो व्हाट अबाउट 20? हां 25 मिनट्स इतना ही है। तो Uber Eats का क्या कहोगे आप? Uber Eats मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे इतना पता है कि उसकी पे कम होती है। अच्छा स्किप द डिशेस की ज्यादा होती है। हां इसमें शिफ्ट होती है। तो इसके रजिस्ट्रेशन करने में कितना टाइम लगे? और हम मुझे एक दिन लगा था और सेम डे मेरा सारा कुछ हो गया था। ओके एक दिन क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए? आपके पास मिनिमम G2 होना चाहिए और आपके गाड़ी के पेपर, उसकी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी शायद नहीं, इंश्योरेंस नहीं लगती एंड दैट्स इट। ओके सो गाइस सो डायरेक्ट डिपॉजिट डिटेल्स भी चाहिए उसके लिए। तो ये हमारी फर्स्ट डिलीवरी है, तो हमने बता दिया कैसे डिलीवरी करते हैं। ठीक है वीलॉग बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो ये इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। और अमर आप बताइएगा, हो सके तो कुछ एक आधा ऑर्डर और ऑर्डर ऐड करेंगे और लास्ट ऑर्डर का ज़रूर बताएंगे कि हमने टोटल कितना कमाया आपको। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट ये भी बताना चाहिए। तो हम लिफ्ट में जा रहे हैं। सो हाँ सही बोला, तब तक हम ऑर्डर कर लेते हैं तो फाइनल बता देंगे कितनी रेवेन्यू होगी है। तो सजेस्ट करेंगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फ़ायदेमंद है कि नहीं फ़ायदेमंद है। ठीक है आप चाहे सेकेंड हैंड गाड़ी भी चलेगी, चलेगी सेकेंड हैंड कार भी चलेगी, आप नई रेंज रोवर भी नहीं ले सकते, लाइक प्रेशर पड़ जाता है। चलो ओके फाइनल ऑर्डर सारे करने के बाद हम आपको बताते हैं कितनी रेवेन्यू हुई है। सो गाइस कल बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी और मैं बहुत थक गया था और अमर भी अभी गया है बाहर जॉब पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अर्निंग होती है अगर आप मन लगा के करोगे तो एक घंटे में आपकी $20 से $25 तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपको कितनी टिप मिलती है। तो गाइस अगर आपको वीलॉग अच्छी लगी हमारी, तो हमारी जो मेहनत है, हम जो मेहनत कर रहे हैं, मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए, आपको सारी चीज़ें पता लगे। सो अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।